क्या बात है शंभू काका? साहब आपसे कोई मिलने आया है। इतनी रात को कौन है? उसने अपना नाम नहीं बताया। बड़ा अजीब सा आदमी है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, नंगे पैर है और उसमें से एक अजीब सी बू आ रही है, जैसे हॉस्पिटल से आती है। साहब तो तुमने भगाया नहीं उसे? साहब उसने मुझे आपसे कुछ कहने के लिए कहा। क्या? उसने कहा कि अगर आप वो सुन लेंगे ना तो उसे जरूर मिलेंगे। क्या कहा उसने? 16 11 77 ये नंबर याद है ना विनय? या भूल गए? 16 11 77 इस नंबर को तुम कैसे जानते हो और कौन हो तुम? कौन? बहुत जल्द जान जाओगे। शंभू काका आप जरा बाहर जाइए, मुझे कुछ बातें करनी है इससे। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजा अंदर से बंद था और शंभू बाहर था, तो फिर खूनी गया किधर? इंस्पेक्टर धर्म। यस सर। आपको क्या लगता है ये खून क्यों किया गया होगा? सर नौकर का कहना है कि आज सुबह विनय ने बैंक से 5 लाख रुपए निकाले थे और उसमें से खूनी 4 लाख रुपए ले गए हैं और बाकी के 1 लाख रुपए यहाँ पर है। सर साहब मैंने ऐसा आदमी पहले कभी नहीं देखा। साहब कभी नहीं देखा। साहब मैंने बताया ना वो कैसा दिखता था, और वो बदबू जैसे अस्पतालों में से आती है साहब, वैसी बदबू थी। हाँ तुमने उसका हुलिया अच्छा बताया। धर्म कंट्रोल रूम में खूनी के हुलिये के बारे में बता दिया है? जी सर 1 घंटा पहले। अब तक तो पुलिस की एक एक जीप उसकी तलाश में निकल पड़ी होगी, और सर ऐसे अजीब हुलिये वाला आदमी तो 1 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई पड़ जाएगा सर। That's true. आप कौन? क्या बता सकते हैं कि खून किसने किया होगा? मैं कैसे बता सकता हूं? मैं कुछ नहीं जानता। हाँ सर मैं इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। वो खूनी मिल गया है सर। अच्छा कहाँ पर? दूसरा स्ट्रीट पर सर, एक बिल्डिंग के पास। हुलिया मिलता है? जी हाँ सर एकदम वैसा ही है। ठीक है तुम वहीं रुको मैं पहुंच रहा हूँ। धर्म खूनी मिल गया कुछ स्ट्रीट में किसी बिल्डिंग के पास, तुम यही रुको
और इस आदमी के बारे में और जानकारी ढूंढ लो। कुछ सोचने जा रहा हूं। खूनी मिल गया, अगर इसके पास तो पैसे नहीं है। ठीक है, तुमने मुझे बताया नहीं कि ये खूनी मर चुका है। सर, जैसा उन्होंने बताया था, इस आदमी से एकदम मिलता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। साहब, यही वो खूनी जिसने हमारे बिना साहब को मारा, यही हो। इसे किसने मारा है? सर, मैं पुलिस डॉक्टर। आपके आदमी कह रहे थे कि कुछ घंटे पहले इस आदमी ने किसी का फोन किया है। हाँ, क्यों? ये आदमी किसी का फोन कर ही नहीं सकता। किसी का फोन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आदमी करीब 24 घंटे पहले ही मर चुका है। मगर साहब, ये वही आदमी है जो आज हमारे घर पे आया था। ये हो ही नहीं सकता। देखिए, ये नंबर देखिए। इस नंबर का मतलब? ये नंबर जिंदगी का आखिरी नंबर होता है। इसके बाद किसी को कोई नंबर नहीं मिलता है। मतलब ये कि ये मुर्दा घरों में मुर्दा पहचानने के लिए नंबर दिया जाता है, और ये पुराना हॉस्पिटल का मुर्दा है। पुराना हॉस्पिटल। लाश यहाँ की है, पुराना हॉस्पिटल। जी हाँ। आप कौन है? मैं रक्षा पाठक, इस हॉस्पिटल की एक ट्रस्टी। अच्छा, तो फिर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये मुर्दा इसी हॉस्पिटल का है, राइट? जी हाँ। मगर कल रात को तकरीबन 8:30 बजे ये यहाँ से अचानक गायब हो गया था। 8:30 बजे और 9 बजे विनय का खून। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विनय का खून इस लाश ने किया है? देखिए, मैं जानता हूँ कि मरा हुआ आदमी किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन विनय के नौकर ने इसे पहचाना है। और फिर ये देखिए, इस पर इसके उंगलियों के निशान भी हैं। सर, इंस्पेक्टर धर्म। सर, मैंने विनय के बारे में पता लगाया है, तो ये पता चला है कि 2 साल पहले उसके पास एक भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं था, मगर उसके रहन सहन से तो ऐसा नहीं लगता था। और फिर उसके घर से 4 लाख रुपए भी तो चोरी हुए हैं। लेकिन सर, 2 साल पहले वो इतना गरीब था कि उसे अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसी हॉस्पिटल में? हाँ। और यहाँ से निकलने के बाद वो रातों रात अमीर हो गया। कोई भी रातों रात इतने पैसे कैसे कमा सकता है? एक मिनट, क्या वो यही इसी अस्पताल में दाखिल हुआ था? जी, इसी हॉस्पिटल। किस वार्ड? चैरिटी वार्ड नंबर 33। क्यों रक्षा जी, चैरिटी वार्ड नंबर 33 में ऐसी क्या बात है? चैरिटी वार्ड नंबर 33 में भूत है। रक्षा जी, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वार्ड नंबर 33 में भूत है? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना इंस्पेक्टर मदन, लेकिन ये सच है। पिछले 2 सालों से यहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। अजीब घटनाओं से आपका मतलब? अजीब आवाजें, लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो जाती है, चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे सामने से कोई चला रहा हो। आपका मतलब है वार्ड नंबर 33 का भूत? हाँ। वो अचानक ही सामने आ जाता है और फिर अचानक ही गायब हो जाता है। रक्षा जी, ये सब बकवास है, मैं इसे नहीं मानता। मैं भी ये सब नहीं मानती थी, पर वार्ड नंबर 33 में आंखों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर एक मरीज की पट्टी उतार रहे थे, मैं भी वहां थी। कैसा लग रहा है तुम्हें?
कुछ दिखाई नहीं रहा है डॉक्टर। अच्छा तो ये बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? दो। और यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं? पांच। पांच? पर यहाँ तो सिर्फ चार लोग हैं। ठीक से देखो। नहीं, एक वहां पे भी है। कौन हो तुम? ठीक है, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? कौन हो? उसे उस भूत को देखा है। वो जैसे जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। I'm sorry, मुझे मेरे लिए आपकी इस कहानी पर विश्वास करना सर मुश्किल है। आप विश्वास करें या ना करें मगर ये सब सच है। लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हुई थी, चीजें अपने आप हिली थी और कल रात को भी यही सब कुछ हुआ। क्या हुआ था? कल रात को हर रोज की तरह 8:30 बजे मैं अपने रूटीन लाउंज पर निकली थी तो अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, चीज अपनी जगह पे हिलने लगी और वो भूत। अच्छा जी, मैं आपकी ये सब बातें कैसे मान लूं? खून का हमारे अतीत से कोई संबंध तो नहीं है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, और शायद तू ठीक कह रहा है। जब मैंने विनय की मौत की खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं वो हमारी पिछली करतूतों का शिकार तो नहीं हो गया। मधु, तू बेकार ही डर रहा है। अच्छा मैं बाद में फोन करता हूँ। सॉरी यार, तेरे को बहुत इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं यार, मैं तो अपना घर समझ कर बैठा हुआ था यार। लेकिन मस्त जगह है यार। यकीन नहीं आता कि 2 साल पहले तेरे पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे तक नहीं थे, आज ये सब कमा लिया। यार तूने इतने कम समय में इतना ढेर सारा पैसा कैसे कमा लिया यार? छोड़ यार, सब वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की। अजीब बात है, सुंदर जगह है पर कुछ अजीब से बदबू आ रही है, जैसे जैसे अस्पतालों में आती है। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैंने विलायत से मंगवाया हुआ परफ्यूम छिड़का यहाँ पर, तू कह रहा है कि अस्पताल की बदबू आ रही है? यार मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, तेरे को बदबू आ रही है? चल निकल मेरे घर से। क्या? निकल मेरे घर से। क्या कह रहा है? जल्दी निकल, जल्दी। अरे खड़ा मत हो, मेरे घर कभी आइए। क्या बात? आज के बाद कभी मत आइए मेरे घर। मधु,
बदबू आती है इसको। मिलाती परफ्यूम को अस्पताल की बदबू कहता है। और इस कमरे में बदबू तो आ रही है। अगली बार नया परफ्यूम लेकर आऊंगा। अरे आप मुझसे बात करें। कौन तुम? चेहरा ना सही मगर नंबर तो तुम्हें याद होगा मधु। नंबर? हाँ नंबर 16 11 77। इस नंबर के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? कौन है तुम? कौन है तुम? तुमने मुझे नहीं पहचाना लेकिन इतने सालों के बाद भी मैंने तुम्हें पहचान लिया और आज मैं अपनी चीज वापस ले आया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। एक और खून हो गया। कोई मधुनाय नाम का। सर, क्या ये खून भी वैसे ही हुआ है जैसे विनय का हुआ था? बिल्कुल वैसे। वही अस्पताल में आने वाली खून और वही तिजोरी से सिर्फ 4 लाख रुपए गायब हुए, ना कुछ कम ना ज्यादा। सर, ये खून हुआ कब? आधे घंटे पहले। क्यों? क्या हुआ? मैंने अभी अभी खुराना हॉस्पिटल में फोन किया था और करीब 1 घंटा पहले वहां से मुर्दा गायब हो गया। क्या? मुर्दा गायब? मगर एक मुर्दा अपने आप चलकर गायब कैसे हो सकता है? दिया हुआ है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? काम हो गया, काम हो गया। अब मुझे इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे जाना चाहिए। मैं बदला लूंगा, बदला लूंगा। यही वो पिस्टल है जिससे मधु का खून हुआ और इस पर इस आदमी की उंगली के निशान। डॉक्टर मदन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कि खून थोड़ी देर पहले हुआ है मगर ये लाश तो पिछले 2 दिनों से इसी मुर्दा घर में पड़ी हुई है। यही दूसरी बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से एक मुर्दा निकलता है और खून करता है। मुर्दे भी लोगों को विनय की तरह मधु भी इसी अस्पताल में पड़ी वार्ड नंबर 33। ऐसे मरीजों को दाखिल किया जाता है जो अपने इलाज का खर्चा खुद नहीं दे पाते। विनय और मधु ने भी 2 साल पहले इसी वार्ड में इलाज करवाया था। हाँ, वहां था विनय, यहां मधु और इस बेड पर एक मरीज था जिसका नाम था संजीव। संजीव वो आजकल कहां है? वो अब जिंदा नहीं। संजीव की मौत इसी वार्ड में। और इस चौथे बेड पर कौन? इस बेड पर कोई आकाश वर्मा नाम का आदमी अपना इलाज करवा रहा था लेकिन भर्ती होने के 2 दिन बाद ही वो अस्पताल से चला गया। और हाँ, विनय और मधु ने भी अस्पताल उसी दिन छोड़ दिया। इंटरेस्टिंग। ये मिस्टर आकाश वर्मा का कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर आपके रिकॉर्ड में होगा? हाँ। अरे
आकाश जी, ये सब क्या है और आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मुझे हार्ट अटैक हो गया है। यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी, आप लोग कैसे बैठे? ये सब मैंने संजीव से बचने के लिए किया है। संजीव से? उसने विनय और मधु का खून कर दिया है। मेरी बारी है। संजीव ने विनय और मधु का खून किया? ये क्या कह रहे हैं आप? इसीलिए मैंने सारे पैसे भारत दिए, पूरे के पूरे 4 लाख। मिस्टर आकाश, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप संजीव से इतना डरे हुए? मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। हम तीनों, यानी विनय, मधु और मैं, खुराना हॉस्पिटल के चैरिटी वार्ड नंबर 35 में भर्ती थे। संजीव अखबार पढ़ते हुए नहीं देखा, लेकिन जब से तुम हॉस्पिटल में आए हो तुम्हें अखबार पढ़ने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। बस है कुछ बात। अच्छा भाई, अपनी बात अपने पास ही रहने। मैंने हॉस्पिटल के बाहर ही एक अखबार वाले को कह दिया है, वो हर रोज तुम्हें एक अखबार दे जाया करेगा। अच्छा डेडी, कॉलेज का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। अच्छा। रुक बेटा, मुझे भी काम पे जाना। संजीव, बाद में आता हूँ, अपना ख्याल रखना। चलो, ओके। आखिर तुम्हें इस पेपर में चाहिए क्या? चलो आज तुम्हें राज की बात बता ही देता हूं। जानते हो 15 नंबर पेज पे क्या होता है? नहीं, क्या होता है? 15 नंबर पेज पे लॉटरी का रिजल्ट छपता है। ओ, तो तूने लॉटरी का टिकट खरीदा है? हाँ। ये रहा टिकट। मुझे 16 लाख का इनाम मिलेगा और उन पैसों से मैं अपने बेटे विवेक को आगे की पढ़ाई के लिए विलायत भेजूंगा। क्या क्या है? एक लॉटरी के हजारों टिकट बिकते हैं, तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम ही जीतोगे? तुम देखना, मैं ही जीतूंगा। ये टिकट मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि इसका नंबर 16-11-77 है। 16-11-77? 16 नवंबर 1977 मेरे बेटे का जन्मदिन है, वो मेरे लिए बहुत लकी है। तुम देखना, मैं ही जीतूंगा, नतीजा कल निकलेगा। अरे आप लोग सुबह सुबह कैसे? बस वैसे ही घूमने निकल रहे हैं। क्या आप ये पेपर संजीव सबको दे देंगे? हाँ क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। यार आज तो संजीव को लाने का रिजल्ट कैंडल बताओ उसका। 16-11-77 लग गई। देखे और ये 16 लाख एक साथ ले जाएगा। काश लॉटरी उसी को मिलती है जिसके पास टिकट होता है। चलो अपना चाहिए।
इसके पास हो रहा है यार। अच्छा हो गया तुम टाइम पे आ गए, वरना ये लोग तो मुझे वो लॉटरी के पैसों के लिए मारने वाले थे। हाँ लॉटरी, अगर तुम वक्त पे नहीं पहुंचते तो ये लोग तो मुझे मार नहीं डालते। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि खून करके बच जाओगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लीज प्लीज हमें 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 छोड़ दीजिए प्लीज। हमने रवि, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो रवि। रवि जल्दी करो, कहीं तो यहाँ पर जल्दी करो। माय गॉड, तुम चारों ने मिलकर संजीव का खून कर दिया? हाँ, और लॉटरी के पैसे चारों ने आपस में बांट लिए, चार चार लाख रुपए। और अब किसी तरह संजीव वापस आ गया है। लौट के पैसे भी वापस ले जा रहा है। आपको मुझे बचाना होगा इंस्पेक्टर साहब, बचाना होगा। मिस्टर आकाश, जैसे ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। लेकिन एक बात का मुझे यकीन नहीं होता, एक मरे हुए इंसान की आत्मा मुर्दा घर में मुर्दों के शरीर में घुस रही है और अपना बदला ले रही है। इट्स इम्पॉसिबल, बहुत अजीब बात है। हाँ अजीब है, लेकिन इन सब मौतों का संजीव से संबंध है। वो आत्मा संजीव की ही है। प्लीज प्लीज आप अपनी आत्मा के थ्री अपने पास रखेंगे। विनय और मधु के घर से चार चार लाख रुपए गायब हुए हैं। आखिर ये पैसे गए तो गए कहाँ? हाँ ये बात तो है, आखिर एक आत्मा का पैसों से क्या था? आप संजीव का रहता था जानते हैं? हाँ, उसका घर खुशरो स्ट्रीट में है। बेटा विवेक अब भी नहीं रहता है। ये तो वही जगह है जहाँ से हमें मुर्दा घर की दो लाशें मिली। मुझे संजीव के बेटे विवेक को मिलना ही होगा। मैं कैसे बताऊं कि ये 8 लाख रुपए मेरे पास में कहां से आए? तुम्हारे घर में 8 लाख रुपए मिले और तुम्हें ही मालूम नहीं कि ये कहां से आए? मुझे तो लगता है विनय और मधु के खून में भी तुम्हारा ही हाथ है। आप कौन से खून की बात कर रहे हैं सर?
वही खून जो तुमने इन पैसों के लिए किए हैं। नहीं नहीं सर, मैं कैसे बताऊं, ये 8 लाख रुपए को मेरे दरवाजे पर रख कर चला गया। कहानी अच्छी है, मगर तुम्हारे दरवाजे पर 8 लाख रुपए कोई छोड़ के क्यों जाएगा? इज्जत कड़ी लगाओ। नहीं नहीं सर, मेरी बात का विश्वास कर, ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। और सुनो, तुम बाहर ही पहरा देना। जी सर। टेंशन की वजह से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। डरो मत, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? और तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद है? 16 11 77 नंबर याद है ना? पैसा रखा है, पैसा ले सकते हो, लेकिन छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो रवि कहाँ है? पुलिस और तुम्हारे डर से छुपा हुआ। उसे बुलाओ, उसे कहना कि मैं उसे मारूंगा नहीं, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए मैं लोगों का खून करता फिरूं। अगर तुम बेकसूर हो तो फिर खूनी कौन है? मैं हूं। अरे डैडी, मगर आप मैं ही संजीव हूँ। मैंने ही विनय और मनु का खून करके पैसे लेके विवेक के दरवाजे के बाहर रखे थे। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता। मैं खून करूंगा। तुम एक आत्मा को कैसे मार सकते हो इंस्पेक्टर? मेरे बेटे को छोड़ दो, बेटे को छोड़ दो। डैडी, डैडी, डैडी। हाँ
हाँ इंस्पेक्टर मदन बोल रहा हूँ। क्या मुद्दा गायब हो गया? अरे ये तो वही मुर्दा है जो मुर्दा घर से गायब था। आकाश किधर गया? वो तो बीमार था। और पैसे पैसे भी तो गायब है। साहब पहले डॉक्टर आया, फिर 10 मिनट बाद आकाश साहब घर से बाहर चले गए अकेले। कहने लगे कुछ काम है अर्जेंटली। मैं अंदर देखने आया, आगे डॉक्टर अंदर कर क्या रहा है तो देखा ये लाश पड़ी हुई थी। सुनो क्या आकाश कुछ अलग लग रहा है? हाँ मैडम, उनकी आवाज एक अजीब सी लग रही थी, एकदम खुरदरी। इसका मतलब जो आदमी यहाँ से गया है वो आकाश नहीं है, वो कोई और ही है। मतलब ये कि संजीव मुर्दों के शरीर में घुस वो यहाँ आया था इस मुर्दे के शरीर में, और यहाँ आकर उसने आकाश को मारा। हेलो, हाँ बोलो। आकाश, आकाश कहाँ तुम? मैं रवि हूँ। आकाश आखिर कहाँ गया होगा? मैं यहाँ हूँ। आकाश तुम्हारी आवाज बदली हुई थी क्यों? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजीव तुमसे मिलना चाहता है। दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो तो तुम्हारे सामने है। मगर कहाँ? ठीक से देखो और पहचानो। क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने खड़ा है, ठीक से देखो और पहचानो। रवि तुमने धोखा दिया है, तुम्हें मरना होगा। आकाश ने से मार दिया। अब बहुत देर हो चुकी है इंस्पेक्टर। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, जो मेरे बेटे का था मैंने उसे वापस दिला दिया। विवेक ये पैसे लो बेटे।